हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन मेरिट लिस्ट और रिजल्ट जो बीएड कोर्स का जो एंट्रेंस कंडक्ट किया था जेके बोपी ने ऑन 30 अप्रैल, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। आई थिंक ये कल का नोटिफिकेशन और आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। सॉरी फॉर द लिटिल बिट ऑफ द डिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन द जेके बोपी हैव प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द बीएड कोर्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक एनेक्शर ए में जो भी आपका जो रिजल्ट आया, जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया, उनका नाम इन्होंने एनेक्शर ए में आगे हमें मतलब एक शो किया है। और इसमें ये बोला है कि जो बीएड कोर्स 2023 थे, इसमें जो इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, डेट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन श्रीनगर, कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू, ठीक है। और नेक्स्ट ए में टू दिस नोटिफिकेशन हुज मार्क्स कार्ड रिजल्ट्स आर अवेटेड और हु हैव अपलोडेड एक्सपायर्ड इनवैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड पेंडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स वर प्रोविजनली अलाउड टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो उन्होंने ये बोला है कि वो कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था या रिजर्व कैटेगरी प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं था, उनको तो इन्होंने अलाउ कर दिया एज अ टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। दे आर हेयर बाय एडवाइज टू सबमिट द रिन्यूड वैलिड डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिजिकली एट द बोपी ऑफिस, फेलिंग विच देयर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू ओपन मेरिट इफ अदरवाइज फाउंड एलिजिबल। तो अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप फिजिकली बोपी ऑफिस में जाके सबमिट करवाइएगा, ठीक है। अगर आप नहीं सबमिट करवाते हो तो आपका जो कैटेगरी है तो फिर वो आपको एज ए कंसिडर करेंगे ओपन मेरिट में। फर्दर द कैंडिडेट्स हु नीड करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर नेम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर इफ एनी, आर ऑल्सो एडवाइज टू रिप्रेजेंट फिजिकली एज अ बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर अप टू 13th of May, 4 बजे तक आपको 13th of May 4 बजे तक आपको उधर प्रेजेंट होना है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ देयर एरर्स। उस एरर में जो भी रेक्टिफिकेशन है उसको करने के लिए आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। कैंडिडेट्स हुज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजल्ट इज अवेटेड आर शोन डेफिशिएंट बट हैव बीन प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल हैव टू सबमिट द सेम ड्यूरिंग और बिफोर द काउंसलिंग डेट एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द बोर्ड एंड हैव टू सबमिट द सेम इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन केस ही आर शी इज सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड मे बी डिसाइडेड एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इनका ये बोर्ड है कि जो कैंडिडेट्स जिन्हें अपनी मार्क्स कार्ड, ग्रेजुएशन मार्क्स कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो उनको बेसिक उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम अगर होगा लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यू हैव टू सबमिट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। इन केस टू आर मोर कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन द सेम मार्क्स इन द एंट्रेंस टाई ऑफ सच कैंडिडेट्स हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय प्रोविजनल डिफाइंड एट द पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 14 ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर विच शैल बी अवेलेबल ऑन द बोपी वेबसाइट। उन्होंने बोला कि जिन कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आए हैं उनका कैसे वो रिजॉल्व करेंगे वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दिया हुआ है। बाकी इफ़ इन्होंने ये भी लिखा कि एज प्रोविजन डिफाइंड पेज नंबर 15, पेज नंबर 22 से 23 ऑफ ई ब्राउचर द कैंडिडेट्स हु हैव एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हर रिजल्ट इफ एनी शिल हैव टू सबमिट रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको अपने रिजल्ट में कोई भी इशू लग रहा है तो एक रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट करनी है और 100,000 रुपीज़ की आपको एक फीस पे करनी है थ्रू POS मशीन एट द बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर फॉर द पर्पज ऑफ री टोटलिंग ऑफ मार्क्स। अगर री टोटलिंग आपको मार्क्स करवानी है तो रीचेकिंग नहीं लिखा है, री टोटलिंग द रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिकॉर्ड शैल बी रिसीव्ड अप टू 3 डेज ऑफ अपलोडिंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन। 3 दिन के अंदर आपको अपना जो रिजल्ट है वो आप री टोटलिंग करवा सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहीं। द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ द एडमिशन ऑफ द बीएड कोर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इन्होंने अलग, मुझे लगता है क्या पता इनकी हो सकता है कि ये अलग अलग तरीके से इसको काउंसलिंग करें, क्योंकि हो सकता है अभी क्या था जम्मू डिवीजन के को या कैंडिडेट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, तो फाइनल ईयर का, तो हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो GCOE जम्मू है उसका थोड़ा सा
जो काउंसलिंग है वो बाद में करें जब डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आ जाए ग्रेजुएशन का। और हो सकता है कि श्रीनगर में रिजल्ट आ गया हो तो इसलिए उनकी काउंसलिंग वो अलग शेड्यूल काउंसलिंग वो अलग से करें, इसकी अलग से करें। या अगर जम्मू का रिजल्ट भी आ जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी का वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट उनका काउंसलिंग इकट्ठे भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टोटली आपके रिजल्ट के ऊपर। इस चीज़ को लेके कई कैंडिडेट्स को डाउट्स था, तो मुझे ऐसा लगता है अब टोटली डिपेंड करता है आपके रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है वो IASC श्रीनगर और कंपोजिट रीजन सेंटर की अलग से काउंसलिंग करे और इसकी अलग से काउंसलिंग करे, ठीक है, जम्मू की। तो एनेक्शर ए में ये आपका रिजल्ट शो हो रहा है, तो जो टॉप स्कोर है जैसे आप ये देखिए तो 113.75 है जिनका रैंक 1 है, ठीक है। तो अगर हम टॉप 10 कैंडिडेट्स का भी देखें तो ये 113 से आपका फॉल करते 93 तक जिनका स्कोर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम इसको देखें तो ये इसमें कुछ कैंडिडेट्स का जैसे इन्होंने रिजल्ट अवेटेड या कुछ इस टाइप का भी मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड का इन्होंने RA जिसका लिखा हुआ रिजल्ट अवेटेड है, जिसकी डेफिशिएंसी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, जिसकी मार्क्स कार्ड की डेफिशिएंसी है और किसी की कैटेगरी की डेफिशिएंसी है, इसको D1 D2 और D3 की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये एक इन्होंने बोपी ने उनको स्टिल उनको टाइम दे दिया है। आप इसको ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया DRA D1 D द डेफिशिएंसी 1 किसकी है डोमोसाइल की, डेफिशिएंसी 2 किसकी है मार्क्स कार्ड की, डेफिशिएंसी 3 किसकी है कैटेगरी की। तो इसके आगे इन्होंने देखिए यहाँ पे कई कैंडिडेट्स में जैसे इनकी तीनों में डेफिशिएंसी है, डोमोसाइल में भी है मार्क्स कार्ड में भी है और इनकी कैटेगरी में भी है, तो उसमें इन्होंने डेफिशिएंसी इसमें शो की हुई है। एंड RA का हो गया रिजल्ट अवेटेड और कईयों का रिजल्ट अवेटेड है तो वो उन्होंने RA में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे इनका रिजल्ट अवेटेड है तो इनका रिजल्ट का वही वो बोल रहे हैं कि अगर वो जम्मू से बिलोंग करते हैं रिजल्ट अवेटेड है तो उसकी काउंसलिंग थोड़ा सा हो सकता है इनका वेट रिजल्ट का वेट करने के बाद ही वो स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है डेट इज़ द BEd कोर्स 2023 का जो रिजल्ट है दे हैव डिक्लेयर बाय द JKBOPI। और आई थिंक नेक्स्ट मंथ में BSc नर्सिंग का भी एंट्रेंस कंडक्ट होने वाला, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और उसमें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक सेकेंड में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली इनमें नंबर ऑफ दिया तो नहीं हुआ, सीरियल नंबर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर का सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द JK वो भी वो थी BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी के, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली उसमें 23,000 कैंडिडेट्स ने वो एंट्रेंस में वो अपेयर हुए थे। अब लेट्स सी इस बार ये फिगर कहाँ तक जाता है। GNM का 12th एक्सपेरिमेंटल अप्रॉक्सीमेटली 14,000 कैंडिडेट्स ने फिलअप किया था फॉर्म, उससे लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2021 की तो 21 में आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे अप्रॉक्सीमेटली 7,000, 22 में ये कैंडिडेट्स बढ़ के आपका 14,000 हो गए। और अब इस बार 12th एक्सपेरिमेंटल के देखते हैं कि 2023 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रहते हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है। नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट मंथ जो रहेगा एंट्रेंस टेस्ट डेट इज़ द बिगेस्ट मोस्ट ऑफ द आप ये कोर्सेज में देख लीजिए सबसे बिगेस्ट एंट्रेंस टेस्ट होता है वो डेट इज़ ऑफ BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी। और अब ये जो टेस्ट जो पूरी जो मेरिट लिस्ट इन्होंने रिलीज़ की है इसमें अब वी हैव टू वेट अब ये काउंसलिंग कब करते हैं। हाँ कश्मीर डिवीजन की ये आई थिंक जल्दी कंडक्ट कर लेंगे और जम्मू डिवीजन का हो सकता है दे आर गोइंग टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुएशन फ्रॉम ग्रेजुएट्स ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बाय द जम्मू यूनिवर्सिटी एंड द क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्पेशली बिलोंग टू जम्मू डिवीजन। तो इसका ये थोड़ा सा अपडेट निकल के आ रहा है बिगेस्ट अपडेट अभी तक का ये रिजल्ट के बारे में है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं अपलोड कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम में JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी मेंशन किया हुआ है। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेंशन किया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मेंशन किया हुआ है। आप मुझे उधर भी मेरे ग्रुप्स में आप मैसेज करके अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।